अगर आपको एक लाइफ सिमुलेटर गेम खेलना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं द सिम 4 गेम आपके लिए काफी बेस्ट होगा। अगर आप इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी और प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम द सिम 4 गेम के बारे में बात करें तो ये एक लाइफ सिमुलेटर गेम है। इसके अंदर आपको एक वर्चुअल लाइफ जीने का मौका मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो गेम सुना होगा सेकंड लाइफ, ये गेम ठीक उसी तरह है। इसमें आपको सेम जैसे कि सेकंड लाइफ गेम के अंदर था, आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप अपनी वर्चुअल हाउस क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी आप जो आप चाहें वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं और आप एक वर्चुअल लाइफ इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की तो यानी कि इसमें आपको एक नॉर्मल ग्राफिक्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स या फिर आपको एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं मिलते। आपको इसके अंदर कार्टून लगभग 90% तक कार्टूनिस्ट ग्राफिक मिलते हैं, यानी आपको इसमें रियल ग्राफिक नहीं मिलते। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये गेम आपको मिलने वाला है 1400 रुपये में, यानी कि 1400 रुपये में। अगर मैं ग्राफिक्स की अगर ठीक से बात करूँ तो यानी कि जैसे आपने पुराने GTA गेम खेले होंगे, जैसे GTA San Andreas हो गया, GTA Vice City हो गया, जैसे उसमें ग्राफिक्स थे, आपको इसमें ठीक लगभग वैसे ही ग्राफिक्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नहीं मिलते, मगर इसमें आपको कई सारे वेदर इफेक्ट मिल जाते हैं, या फिर आपको नाइट मोड और डे नाइट मिड नाइट, आपको इसमें कई सारे मोड मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें इस गेम में कैरेक्टर्स की तो इसमें आपको कई सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे मेल, फीमेल, चाइल्ड, और इसमें आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आप अपने मनपसंद के हिसाब से हाउस क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, जो आपके मन करे वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस बात करें इस गेम की रिलीज डेट की तो ये गेम रिलीज हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को, और ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, यानी ऐसे आप मल्टीप्लेयर में नहीं खेल सकते, ये एक ऑफलाइन गेम है, इसे आप अपने मल्टीप्लेयर फ्रेंड के साथ नहीं खेल सकते। अगर हम बात करें इसमें यूजर रेटिंग्स की, यानी कि इसे यूजर्स की कितनी रेटिंग मिली, तो अगर हम बात करें गूगल रेटिंग की तो इसमें गूगल यूजर्स की रेटिंग है इसकी 97%, यानी 97% लोगों ने इस गेम को अच्छा बताया है। अगर हम बात करें इस गेम की अनाउंसमेंट की कि ये गेम रिलीज होने से पहले कितने दिन पहले अनाउंस किया गया था, तो मैं बता दूँ ये गेम 6 मई 2013 को अनाउंस कर दिया गया, जो 2 सितंबर 2014 को रिलीज हो गया था। अगर हम बात करें इस गेम की स्पेसिफिकेशन, यानी इस गेम को अपने पीसी में चलाने के लिए आपके पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। अगर आप इस गेम को अपने पीसी में चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम इंटेल कोर i3, उसके साथ आपको एक नॉर्मल GPU और आपको 4 GB की रैम चाहिए होगी। अगर आप इसे थोड़े मीडियम ग्राफिक्स में यानी कि अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेलना चाहते हैं या फिर हाई ग्राफिक्स में, तो आपको चाहिए वो इंटेल कोर i5, उसके साथ आपको 8 GB रैम और 20 GB की हार्ड ड्राइव। अगर आपके पास ये स्पेसिफिकेशंस हैं तो आप इस गेम को अपने पीसी में खेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि द सिम 4 गेम की ग्राफिक्स कैसे हैं, इसकी प्राइस, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसकी क्या स्टोरी है। अगर आपको ये गेम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।